गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे लास्ट बॉडी टाइप के ऊपर जो होती है एंडोमॉर्फ। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों की बॉडी ऐसी हो गई है बिकॉज ऑफ वेट गेन। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो पहले अपनी बॉडी टाइप को समझना पड़ेगा जिससे आपको ज्यादा हेल्प होगी वेट लॉस करने में। सो जिम आ गए हैं और आज मैं करूंगा लेग्स एंड ट्राइसेप्स। मैं लेग्स और ट्राइसेप्स को साथ में ट्रेन करता हूं। जब मैं बात कर रहा था एंडोमॉर्फ के बारे में तो एंडोमॉर्फ को मैं एक बेसिक सा वो बता देता हूं कि जो एंडोमॉर्फ वाली जनता होती है, लोग होते हैं जिनका ये बॉडी टाइप होता है, उन लोगों के अंदर ज़्यादा फैट होता है और लेस मसल होता है। अब उनको एक प्रॉपर तरीके से अपनी न्यूट्रिशन को, मतलब कि डाइट को, खाने को और अपने वर्कआउट को प्लान करना पड़ता है बिकॉज फैट कंटेंट उनके अंदर नेचुरली ज़्यादा होता है और मसल कम होता है। पर इनके लिए एक बेनिफिट होता है कि ये मसल्स को आराम से बिल्ड कर लेते हैं, बट एक चीज़ और उनके साथ आ जाती है, वो होता है फैट। तो फैट को इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल रखना होता है। अगर एंडोमॉर्फ वाले लोग अपने खाने को ना देखें और वो ओवर ईट कर लें तो उनका फैट और उनका वेट बहुत रैपिडली गेन होता है। उनका बॉडी टाइप भी कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। तो एंडोमॉर्फ वालों को ना अपनी डाइट को, अपनी कैलोरीज इनटेक और कैलोरीज बर्न पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और स्पेशली आजकल हम लोग एक बॉडी टाइप के साथ पैदा होते हैं, बट ड्यू टू ओवर ईटिंग, ड्यू टू अनहेल्दी फूड्स, हम लोग ना अपने बॉडी टाइप को चेंज कर लेते हैं और मोस्ट लाइकली हम एंडोमॉर्फ में चले जाते हैं जहाँ पे फैट ज़्यादा होता है और मसल्स कम होते हैं। जैसे एक्टोमॉर्फ फैट को कम स्टोर करता है लेकिन वो स्किनी होता है। मेसोमॉर्फ के अंदर मस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है बट उसके अंदर फैट कंटेंट भी कम होता है, और एंडोमॉर्फ के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और मसल कम होता है। ये इनके एक्चुअल बॉडी टाइप होते हैं। सो अगर आप एंडोमॉर्फ हो तो आप एक्टो एंडोमॉर्फ भी बन सकते हो, मतलब कि आपके अंदर स्किन वाली जो प्रॉब्लम है, फैट वाला जो प्रॉब्लम है वो कम है और आप मस्कुलर ज़्यादा हो गए। क्योंकि जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो मसल्स को बहुत रैपिडली गेन भी कर लेते हैं बट फैट को भी गेन कर लेते हैं। आप एक्टो एंडोमॉर्फ बन सकते हो कि फैट कंटेंट कम है और आप मस्कुलर हो। प्लस एंडोमॉर्फ वाले लोग ह्यूज होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, स्क्वायर होती है उनकी बॉडी। अगर आप एंडोमॉर्फ हो तो आप मेजो एंडोमॉर्फ भी बन सकते हो कि वो उससे आपकी आएगी प्रॉपर एस्थेटिक वाली फील। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, कैसे वर्कआउट करना चाहिए और अपनी कैलोरीज को इनटेक कैसे करना चाहिए अगर आप एंडोमॉर्फ हो और आपको वेट को लूज करना है। तो एंडोमॉर्फ की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, वर्कआउट रूटीन कैसा होना चाहिए? सी, आपको वेट ट्रेनिंग तो करनी ही है बिकॉज वेट ट्रेनिंग से आपसे मसल भी बिल्ड होगा प्लस आपका वेट भी लॉस होता है। दूसरा, अब हफ्ते में 6 दिन होते हैं, ठीक है, तो 3 दिन आपको 30 से 40 मिनट रनिंग करनी है और 3 दिन आपको हाई इंटेंस वर्कआउट करना है। पॉइंट इज, जो एंडोमॉर्फ होते हैं ना उनका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली स्लो होता है दूसरे बॉडी टाइप से, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है हमेशा। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 30 मिनट तक जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, आपको वॉकिंग करनी है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सको। बिकॉज एंडोमॉर्फ का वेट लॉस करना एक बहुत टास्क होता है, मतलब उनके लिए एक टास्क होता है वेट लॉस करना, बिकॉज मेटाबॉलिज्म बहुत स्लोली स्लोली आपकी कैलोरीज बर्न करता है। तो आपको खाना कम है और कैलोरीज ज़्यादा बर्न करनी है जिससे हम मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर करेंगे कि वो फास्ट हो और हमारा बॉडी टाइप धीरे धीरे चेंज हो। सो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है। अब वर्कआउट के सेट्स की बात करें तो आपको 10 से 12 रेपिटेशन मारने हैं, हाई सेट्स मारने हैं, और जो आप ब्रेक लोगे ना सेट्स के बीच में कि आपकी एक एक्सरसाइज ख़त्म हुई तो आपको कम से कम ब्रेक लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकेंड से 1 मिनट का ब्रेक लो कि आपका फैट जल्दी बर्न हो, और थोड़े से सेट्स आपको ज़्यादा मारने हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको हमेशा ज़्यादा करनी है कि आपका वेट लॉस भी होता रहे। अब जिम में आप मैक्सिमम 1 घंटा या 1.5 आवर एक्सरसाइज कर पाओगे जिसमें आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है और बाकी अदर अपना कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस भी करनी है, रनिंग कर लोगे, जॉगिंग कर लोगे। बट अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो रही तो आप रात को सोने से पहले वॉक कर सकते हो, 5-6 हज़ार स्टेप्स चल सकते हो, या और पूरे दिन में आप 10-15 हज़ार स्टेप्स का टारगेट लेके चलो कि मुझे इतना चलना है पूरे दिन, जिससे आप एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न कर। या आप जिम के बाहर कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, कोई भी अदर एक्सरसाइज या कोई भी अदर कोई स्पोर्ट जो भी आपको अच्छा लगता है, या कुछ भी अच्छा नहीं लगता अगर स्पोर्ट्स भी नहीं खेलना तो नॉर्मल वॉकिंग कर लो। मान के चलो 10-15 हज़ार स्टेप्स आपको चलने ही है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सको, और जितना एक्स्ट्रा कैलोरीज आप बर्न कर पाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। हो गई थी बहुत ज़्यादा भीड़ तो
मैंने अपनी एक्सरसाइज करी जल्दी जल्दी और मैं आ गया। सो, जो एंडोमॉर्फ होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली दोनों बॉडी टाइप से, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ से स्लो होता है और वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो ज़्यादा खा लेते हैं या इनफ कैलोरीज बर्न नहीं करते तो उनकी जो कैलोरीज होती है ना वो फैट में स्टोर हो जाती है। जो एंडोमॉर्फ की आइडियल डाइट होती है ना वो हाई फैट होती है, लो कार्ब्स होती है और हाई प्रोटीन होती है। अब हाई फैट में आप लोग चीज़ खा सकते हो, घी खा सकते हो, आलमंड्स खा सकते हो, काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो और जितना भी फूड होता है जिसके अंदर हाई फैट्स होती हैं वो वाली सारी चीज़ें आप खा सकते हो। और प्लस आपको हाई प्रोटीन खाना होता है तो अगर आप फिश खाते हो फिश खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, चिकन खा सकते हो और टोफू खा सकते हो। तो हाई प्रोटीन के अंदर और हाई फैट्स के अंदर आपको रहना है और कार्ब्स को कंपैरेटिवली लो खाना है। कुछ फूड्स को आपको अवॉइड करना है, जैसे पास्ता हो गया, वाइट ब्रेड हो गई, रिच जो होते हैं कार्ब्स के अंदर, उन फूड्स को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप एक्स्ट्रा फैट अपना श्रेड नहीं कर देते तब तक आपको कार्ब्स से थोड़ा सा दूर रहना है। और आपको एक और फूड से दूर रहना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, ज़ीरो कैलोरीज वाली ड्रिंक हो, कोई भी ड्रिंक हो, आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, फ्राइड फूड से भी दूर रहना है। तो एक बार आपको ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको अपना एक्स्ट्रा फैट को लो करना है तो। बस एंडोमॉर्फ वाले बॉडी टाइप को ये बात याद रखनी है कि आपका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली दूसरों से स्लो है, तो आपको अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट वाला चीज़ आपको याद रखनी है कि कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो और कितनी आप बर्न कर रहे हो। तो हमेशा कैलोरीज को बर्न करना अपना मोटो रखो, वेट ट्रेनिंग से सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है तो वेट ट्रेनिंग हमेशा करनी है। क्योंकि मैंने लोग देखे हैं जो वेट जिनका ज़्यादा होता है, वेट गेन जिनका ज़्यादा हुआ होता है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो बस भागते रहते हैं। तो भागना नहीं है, बस भागना नहीं है, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है और कार्डियो वास्कुलर एक्सरसाइजेस भी करनी है, कार्डियो भी करना है, जॉगिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ भी जो मैंने अभी आपको बताया। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिन्होंने वेट लॉस करना है उनके साथ शेयर करो। और अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।